अगले साल हम लोग सिर्फ दो सब्जेक्ट बायो और केमिस्ट्री पढ़े एंड फिर अगली बार हम लोग जाएं कोर्ट में बोल दें कि हम लोग का टाइम वेस्ट हुआ है, एनटी हम लोग को 150 मार्क्स दे देगा जो हम लोग पूरे साल मेहनत से भी नहीं ला सकते हैं। और इस साल जो इतना बड़ा स्कैम किया उसके बाद तो भरोसा उठ गया है एनटीए से। इस साल जो रैंक्स बन रही नंबर में वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं, बल्कि जिनको डेंटिस्ट भी मिल सकता था वो भी अब नहीं मिल सकता है, बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं उसकी वजह से। ग्रेस मार्किंग दी गई है, किस बेसिस पे दी गई है हमें नहीं पता। मैं ये चाहती हूँ कि रीनीट हो, जस्ट बिकॉज हमारा हम जो 2025 के एस्पिरेंट्स हैं हमें एनटीए पे बहुत ज़्यादा डाउट है। हम चाहते हैं कि रीनीट दोबारा हो ताकि हम बच्चों में विश्वास भी आए, अगर ऐसा चलता रहेगा तो हम किस बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक टीचर्स को अल्टरनेटिव मिल गया कि अगर टाइम से पेपर नहीं मार पाए कोई इशू नहीं है, ग्रेस मार्क्स मिल ही जाना है, और ये बहुत गलत चीज़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। नीट के रिजल्ट को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये परीक्षा कराई गई, और जिस तरीके से एक ही रैंक बन के 61 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से मार्किंग की गई, इस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। नीट जो एक ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसकी परीक्षा प्रणाली को लेकर, इसकी मार्किंग को लेकर, इसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर इतने गंभीर सवाल उठ रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स के बीच में अनरेस्ट है, स्टूडेंट्स दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं, और कैसे ये गड़बड़ी हुई और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में बात करने के लिए आज मैं कानपुर में हूँ। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो परीक्षा दे चुके हैं या फिर जो देने वाले हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर स्टूडेंट्स के मन में इस समय क्या चल रहा है। आप अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं आप। मैम गुड आफ्टरनून, मेरा नाम लय पांडे है एंड मैं कानपुर से हूँ, एंड मेरे नीट 2024 मार्क्स जो बन रहे हैं वो 615 प्लस हैं, एंड ऐसे में मैं एक उत्तर प्रदेश का अच्छा जीएमसी एक्सपेक्ट कर रही थी, बट अभी हम लोग की जो कंडीशन है, वी आर स्टैंडिंग एट द वर्स्ट फेस ऑफ अ लाइफ वेयर वी आर सेड दैट वी विल नॉट बी प्रोवाइडेड विद एनी ऑफ द कॉलेजेस। कीपिंग माई सेल्फ अपार्ट, आई हैव माई फ्रेंड्स हु आर स्कोरिंग 650 प्लस एंड ऑल्सो मेनी ऑफ देम हु वुड बी एक्सपेक्टिंग मौलाना आज़ाद लाइक कॉलेजेस इन इंडिया, but now they are at the verge where they are being said that they are not going to get any of the colleges. Okay, see, basically being a NEET aspirant, what journey we go through is very difficult, that can't be poured into words, and everyone who is going to say after my me they are basically present students. Mere kuch questions hain jo main karna chahti hu through this platform to many of those who are watching us. ओके लाइक पहले मैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए सीधे ग्रेस मार्किंग पे आती हूँ, विच इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बिगेस्ट स्कैम दैट हैज़ बीन डन विद अस। ओके सो बात हो रही है ग्रेस मार्किंग की, लाइक एनटीए ने कहा कुछ बच्चों को पेपर की समय टाइम की अवधि कम मिली थी और फिर उनको ग्रेस मार्किंग करा दी गई। मेरे कुछ मैं कुछ एग्जाम्पल सामने रख के कुछ उनसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। लाइक मैं बात करना चाहती हूँ जानवी की, शी इज़ अ गर्ल फ्रॉम एलन एंड शी इज़ स्कोरिंग एट प्रेजेंट 720 मार्क्स एंड शी इज़ स्कोरिंग फर्स्ट रैंक, बट उसका जो रिजल्ट बन रहा था वो 636 का बन रहा था। और कहते हैं जब उसकी ओएमआर निकल के सामने आई, तो जो हम लोग का नीट का पेपर होता है उसमें हम लोग को 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, उसमें से उसने 179 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है। माय क्वेश्चन फ्रॉम एनटीए इज़, जो बच्चा 180 क्वेश्चन में से 179 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता है, हाउ कैन यू क्लेम दैट दैट चाइल्ड इज़ एट अ लॉस ऑफ टाइम। नाउ आई नीड एन आंसर दैट क्यों जानवी को ग्रेस मार्किंग मिली। सेकेंडली आई वुड लाइक टू क्लियर सम ऑफ आर रूल्स विच वी हैव इन नीट, लाइक हम लोग का जो पेपर होता है वो 180 क्वेश्चन का होता है एंड फिजिक्स 180 मार्क्स की होती है, 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स। जो हम लोग को ग्रेस मार्किंग देखा गया मिला है बच्चों को, नॉट मी, लाइक जो मिला है वो एनटीए ने 150-160 ग्रेस मार्किंग की है, 150 से नीचे किसी को ग्रेस मार्किंग नहीं दी है। मुझे ये पूछना है कि जो हम लोग पूरे साल मेहनत किए हैं, हम लोग ने यहाँ पे कोचिंग में अपने पूरे साल सारे टेस्ट दिए हैं, इतनी मेहनत से हम लोग टेस्ट देते थे एंड हम लोग की मुश्किल से 130-140 प्लस आते थे। आई से एनी, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी चाइल्ड हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन स्टडीज़, अगर वो मुश्किल से 160 प्लस ला रहा है तो एनटी ने तो फ्री में 150-160 बच्चों को दे दिया है ना। तो ऐसे तो हम लोग ये भी कर सकते हैं ना कि अगले साल हम लोग सिर्फ दो सब्जेक्ट बायो और केमिस्ट्री पढ़े एंड फिर अगली बार हम लोग जाएं कोर्ट में बोल दें कि हम लोग का टाइम वेस्ट हुआ है, एनटी हम लोग को 150 मार्क्स दे देगा जो हम लोग पूरे साल मेहनत से भी नहीं ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये आपका पहला अटैम्प्ट था? नो, दिस वॉज माई फिफ्थ अटैम्प्ट। अच्छा, ये बताइए, देखिए ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो फिफ्थ अटैम्प्ट कर रहे थे और इसमें आप एक तरह से एक आपने मार्क एक लेवल पे आप आ गई थी 618 में। इनफैक्ट अगर नॉर्मल तरीके से पेपर होता तो आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाता। अब ये बताओ, अब आप क्या चाहते, जैसे आपने कहा कि आप रीनीट चाहती, क्या दोबारा आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, दोबारा से पढ़ाई कर रही हैं आप? सी बेसिकली ये बात बिल्कुल सही है कि रीनीट हम लोग मान के चल रहे हैं, भले अभी कोई ऐसे नोटिस नहीं आए, कुछ नहीं आया है, कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स नहीं हुई हैं, बट फिर भी हम लोगों ने
पढ़ना भी शुरू कर दिया है जस्ट फॉर विद अ होप दैट रीनीट होगा 2 महीने 3 महीने जो भी सरकार बोलती है, जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलती है। एंड मेरी मांग यही है, फर्स्टली रीनीट होना चाहिए एंड सेकेंडली एन टी ए शुड नॉट कंडक्ट दिस एग्जाम अगेन, बिकॉज अगर एन टी ए है तो इस देश के 25 से 30 हज़ार ऐसे डिजर्विंग डॉक्टर्स बनने से रह जाएंगे और 25 से 30 हज़ार ऐसे स्टूडेंट्स उठ के आ जाएंगे जिन्होंने चीटिंग करके पढ़ा है एंड दे आर नॉट इवन डिजर्विंग टू बी अ कंपाउंडर ऑफ दिस। मतलब आपको एनटीए पे भरोसा नहीं रहा? नो, बिल्कुल नहीं रहा। आप चाहते कोई और एजेंसी एग्जाम कर? अगर एनटीए कराएगी तो फिर से वही होगा। आपको लगता है एनटीए ने इतने पैसे खाए वो किसी को वापस करेगी? वो फिर से करेगी, बस वो एक सीक्रेट लेवल पे चीज़ें करेगी। बिकॉज हम लोग इंसान हैं, हम लोग की टेंडेंसी है जो हम लोग करते हैं फिर हम लोग वही करते हैं, फिर चाहे हम लोग को स्वयं भगवान भी समझा दें। तो इफ एन टी ए डज इट, सो वी आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट इट अगेन। तो उम्मीद है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स की आवाज़ ऊपर लेवल तक पहुँचेगी, सरकार भी सुनेगी। और एक बड़ी बात जो हो रही है कि एन टी ए पे भरोसा नहीं रहा। आप बताएं आपका क्या नाम है और कहाँ से आप हैं, क्या चाहती हैं? मेरा नाम अनुराधा सिंह चंदेल है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं लास्ट 3 ईयर्स से पेपर दे रही हूँ और हर साल एन टी ए कुछ ना कुछ स्कैम करता है। हम लोग को यही उम्मीद रहती है कि अब फेयरली पेपर होगा, अब फेयरली स्कोर्स आएंगे, और इस साल जो इतना बड़ा स्कैम किया उसके बाद तो भरोसा उठ गया है एन टी ए से। तो हम यही चाहते हैं कि रीनीट हो और जितने अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको हटाया जाए और फिर पेपर हमें वापस दिलवाया जाए। अच्छा, आप चाहती हैं कि क्या आप भी सोचती हैं कि अब एन टी ए एग्ज़ाम ना कराए, कोई और एजेंसी कराए? बिल्कुल, क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ स्कैम हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, मार्क्स चेंज हो रहे हैं, ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, हर बार यही हो रहा है। लास्ट 3 साल से तो खैर यही हो रहा है। हम लोग इतनी उम्मीद करके आते हैं, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, उनका पूरा साल जाता है, फिर वो फाइनली डिप्रेशन से एंड होते हैं और यही सब बढ़ रहा है। तो ये सब बंद करने के लिए एजेंसीज को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, आपने जब नीट का एग्ज़ाम दिया, जैसे ये कहा गया कि ग्रेस मार्क इसलिए मिले क्योंकि लेट में थोड़ी डिले हुई इसलिए ग्रेस मार्क मिल गए, आपने किस सेंटर पे ये एग्ज़ाम दिया था? क्या क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि भाई लेट उन्हीं को नहीं हुआ, हमें भी हुआ। तो ऑल ओवर इंडिया तमाम सेंटर होंगे जहाँ पर 2-4 मिनट की देरी हुई होगी क्वेश्चन पेपर को देने में। आपने कहाँ पर एग्ज़ाम दिया था, क्या ऐसा वहाँ पर हुआ? मैंने जहाँ एग्ज़ाम दिया था वो स्कूल है आर्मी स्कूल कानपुर का, और वहाँ पे बहुत सही तरीके से एग्ज़ाम हुआ, सही टाइम पे पेपर हमें बांटा गया। और 2-4 मिनट के लेट में आप ग्रेस मार्क्स देने का कोई मतलब नहीं होता है। और उसके बाद ग्रेस किस बेसिस पे दिए ये भी स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ टाइम के बेसिस पे आप बच्चे को फालतू में ग्रेस दे के उसे जीनियस बना रहे हो, बल्कि जिन्होंने मेहनत की है उनके नंबर काट के, उनकी रैंक काट के, तो फिर कोई सेंस नहीं है इस बात का। ओके, अब आप भी रीनीट चाहती हैं? बहुत ज़्यादा, हमने वापस पढ़ाई भी चालू कर दिया इस उम्मीद से कि रीनीट होगा और हमें जस्टिस मिलेगा। ओके, थैंक यू। आप बताएं क्या नाम है, कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम खुशी मिश्रा है, मैं कानपुर से ही हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि इस साल रीनीट ही हो, क्योंकि इस साल जो रैंक्स बन रही है नंबर में वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं, बल्कि जिनको डेंटिस्ट भी मिल सकता था वो भी अब नहीं मिल सकता है, बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं उसकी वजह से। और मैं ये भी चाहती हूँ कि इस बार एनटीए पेपर ना कंडक्ट कराए, क्योंकि हर बार एनटीए का हर साल यही इशू रहता है, कुछ ना कुछ इशू रहते हैं, कहीं ग्रेस मार्क्स आता है तो कहीं पेपर लीक के आती है। और जितना मैंने देखा है कि कभी ना कभी इस साल तो इतना दिखा रहे हैं, लेकिन पिछले साल भी कुछ ऐसा ही न्यूज़ में आ रहा था, लेकिन फिर बाद में न्यूज़ बंद हो गई थी कि लीक नहीं हुआ है। मतलब आप ये कह रही हैं कि नीट हर बार, एनटीए हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता है, इस बार वो लाइमलाइट में बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया है, पकड़ गए। लेकिन हर बार मुझे लग रहा है पेपर जब हुआ था उसके बाद ही कुछ न्यूज़ आई थी पेपर लीक की, लेकिन वो फिर बंद हो गई। अब जब रिजल्ट्स में सबके इतने ज़्यादा वेरिएशंस आए तब अब अच्छे तरीके से लाइमलाइट में दिख रहा है कि एनटीए ने क्या स्कैम किया हुआ है। तो आपने नीट की दोबारा से तैयारी कर ली? हाँ, मैंने शुरू कर दी। आपको उम्मीद है सरकार आवाज़ सुनेगी, एनटीए आपकी आवाज़ सुनेगी? मैं तो इसी उम्मीद से तैयारी कर रही हूँ कि इस बार सरकार दोबारा रीनीट कराएगी। ओके, थैंक यू। देखिए मेरे साथ ये तो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, अभी मेरे साथ और सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी एग्ज़ाम देने वाले। पता है नीट का जो ये धांधली हुई, स्कैम हुई, इसके बारे में आप क्या जानती हैं, आपको क्या लग रहा है क्या हुआ ये? मैम, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब बहुत सारे बच्चों को मतलब पेपर्स पैसों पर दिए गए हैं, पैसे लेके पेपर दिए गए? यस मैम। और मतलब जैसे कि फर्स्ट रैंक पे 89 बच्चे ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब पढ़ने वाले से कुछ हैं लेकिन ज़्यादातर ये सब स्कैम की वजह से ही है। एंड मैम, इसकी वजह से कट ऑफ मतलब इस साल तो हाई गया है, और अगर मतलब नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही होता है तो और हाई जाएगा, इसकी वजह से हम बच्चों पे प्रेशर पड़ रहा है। भले हम कितना भी पढ़ लें लेकिन वो होता है ना मेंटल प्रेशर, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। आप बताएं आप कहाँ से आई हो, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सना परवीन है, मैं इनिशियली कानपुर से हूँ. आई एम अ नीट 2025 एस्पिरेंट होपिंग फॉर री नीट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ ये जो इनजस्टिस हुआ है वो इलॉजिकल है. मतलब ग्रेस मार्किंग दी गई है, किस बेसिस पे दी गई है हमें नहीं पता. टाइम के बेसिस पे दे के, ग्रेस मार्किंग दे के जो डिज़र्विंग बच्चे हैं उनके मार्क्स काटे गए हैं. तो जो बच्चे मेहनत से मार्क्स ला रहे हैं और जो बच्चे ग्रेस मार्किंग मिल रही है उनके साथ तो फिर कोई मैच ही नहीं है. और जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस उम्मीद से कि री नीट होगा, अगले साल हम लोग भी पेपर में अपीयर होंगे, हम लोग का भी डॉक्टर बनने का सपना है, इतने सपने यहाँ तोड़े जा रहे हैं. जो जिन बच्चों ने इस साल नीट का पेपर दिया है उनके इतने अच्छे अच्छे मार्क्स ला के भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है. 720 मार्क्स 67 बच्चे ला रहे हैं और उनको भी एम्स की सीट नहीं मिल रही है. ग्रेस मार्किंग दी गई है. और हाँ, ग्रेस मार्किंग का ये जो चलन है वो क्लैट प्रोग्राम से चालू हुआ था. जो क्लैट का पेपर होता था उसमें ये था कि कुछ मिसकंडक्ट की वजह से ग्रेस मार्किंग दी गई है, पर उधर साफ साफ लिखा था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग पेपर के लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो ये ग्रेस मार्किंग किस बेसिस पे दी गई है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर. बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए. वी वॉन्ट जस्टिस फॉर 2024 स्टूडेंट्स. और हम भी ऐसा ये उम्मीद करते हैं कि अगले साल हमारे साथ ना हो, हमारी आवाज़ सुनी जाए और ये जो स्कैम हुआ है इसको प्रॉपर तरीके से रीनीट देके इसको इवेल्यूएट किया जाए. ओके, थैंक यू. आप बताएं. माई नेम इज़ साक्षी अंगवर, आई एम फ्रॉम बरेली, उत्तर प्रदेश. अपार्ट्स ऑफ दीज थाट्स, माई वन ऑफ द फिलोसफिकल थाट्स इज दिस कि मतलब जो नॉन डिज़र्विंग है उनको भी 720 मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ चीटिंग. तो हमारे इंडिया में तो ये है थॉट कि जो डॉक्टर होता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है. अगर वो चीटिंग के बेसिस पे जा रहे हैं तो वो तो डिज़र्विंग ही नहीं है, तो फिर वो क्या ही मतलब भगवान उनको कैसे बोल सकते हैं. तो मेरे लिए तो ये सब गलत है कि चीटिंग के बेसिस पे बनना पैसे के लिए. तो जो मतलब बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे, उनका इतना 620 पे भी उनको कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, उनकी तो फिर पूरा पढ़ाई सब कुछ वेस्ट ही एक तरीके से. तो आई जस्ट वॉन्ट री नीट, और ये चीटिंग से अगर कोई भगवान का उनको दर्जा दिया जा रहा है तो वो ना दिया जाए. थैंक यू मैम. अच्छा, 2025 में आप एग्ज़ाम देंगी, क्या आपको भी डर लग रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं 15-15 घंटे पढ़ रही हूँ और शायद पता नहीं एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसा होगा, फेयर होगा ना, क्या इसको लेके एनटीयू को लेकर आपको उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर कोई शक हो रहा है? एक्चुअली मैम, या श्योरली 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो मेरे ख्याल से तो सबको बहुत ज़्यादा फेयर में होंगे, क्योंकि हम लोग का जो फ्यूचर है वो इतना सिक्योर नहीं है. जिस हिसाब से 2024 का हम लोग रिजल्ट्स देख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, बट उनको शांत कराया जा रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि एनटीए की गलती है. तो आई जस्ट वॉन्ट कि रीनीट हो और बच्चों को जस्टिस मिले जो इस साल के जो एस्पिरेंट्स हैं, ताकि हम लोग का फ्यूचर सिक्योर. थैंक यू. मैं प्रतिष्ठा वर्मा, आई एम प्रतिष्ठा वर्मा फ्रॉम अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश. और मैं ये चाहती हूँ कि रीनीट हो जस्ट बिकॉज हमारा हम जो 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, हमें एनटीए पे बहुत ज़्यादा डाउट है. एक तरफ एनटीए सारा पेपर कंडक्ट करा रहा है और जितने भी स्टूडेंट्स जो नीट का पेपर दे रहे हैं सबका फ्यूचर एनटीए के हाथों में है. अगर एनटीए ही बार बार ऐसे स्कैम्स करेगा और या फिर वो क्लैरिफिकेशन तो ढंग से दे नहीं रहा है, ग्रेस मार्क्स के लिए उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दी. एंड कल ही उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि एक कोई सेंटर था वहाँ पे पेपर जो है टाइमली कंडक्ट कराया गया था, बट वहाँ के स्टूडेंट ने बोला कि पेपर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, टाइमली कंडक्ट नहीं हुआ था. पेपर स्टार्ट हुआ था 5:30 बजे एंड जो ओवर हुआ था 8 बजे. सो बेसिकली जो टाइम था उनको टाइम कम पड़ गया, पेपर टाइमली नहीं हुआ एंड पेपर भी लीक बहुत ज़्यादा हुआ था. कुछ बच्चे जो थे जो सेंटर से मतलब पेपर दे के निकले तभी उनको पता चल गया था कि हाँ पेपर लीक हुआ है, लेकिन फिर उसके बाद एनटीए ने क्लैरिफाई किया एक ही जगह पेपर लीक हुआ है. उसके बाद फिर बातें सामने आई कि हाँ बहुत जगह पेपर लीक हुआ है. जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी उसमें भी एनटीए ने अच्छे से क्लैरिफिकेशन नहीं दिया. सो हम यही चाहते हैं जो 2025 के एस्पिरेंट्स हों कि प्लीज़ एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट ना कराए, नहीं तो फिर हमारे साथ भी होगा तो फिर हमारा फ्यूचर तो उन्हीं के हाथों में है, फ्यूचर डूब जाएगा हमारा. ओके, आप बताएं क्या नाम है? मैम, माय नेम इज़ सालविनी गुप्ता, आई एम फ्रॉम लालगंज. मेरी तो सर गवर्नमेंट से यही मांगे कि वो रीनीट कराएं, क्योंकि जो बच्चे इस बार मेहनत करके जिन्होंने अपना अच्छा किया था उनके लिए तो गड़बड़ हो गया, और जिनने अपनी मेहनत नहीं की तो उनके तो अच्छे नंबर आ गए. तो जैसे कि हम लोग को मम्मा पापा बताते हैं कि आप लोग मेहनत करिए, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करके रात में पढ़ना चाहिए, आपको उसमें अपनी जी जान लगा देनी चाहिए. तो इस हिसाब से सरकार जो बच्चों ने मेहनत की है उनके लिए तो बहुत ख़राब हुआ है. तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो सरकार को रीनीट कराना चाहिए. आप चाहते हैं नीट की दोबारा एग्जाम हो? यस मैम. लेकिन नीट में एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है, इतने सारे बच्चों के लिए फिर सारी व्यवस्था करना ये आसान होगा? ये
नहीं मैम, मेरे हिसाब से तो ये कठिन होगा, मगर उन बच्चों को जस्टिस चाहिए क्योंकि उनका पूरा फ्यूचर अब दिक्कत में आ गया, उनको कहीं गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, वो आगे फ्यूचर में क्या करेंगे। अच्छा, आप तो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले, ये आपका पहला अटैम्प्ट होगा? यस मैम, ये मेरा पहला अटैम्प्ट है। आपको अपने फ्यूचर को लेकर, 2025 की परीक्षा को लेकर क्या चिंता हो रही है? हमें ये लग रहा है कि अगर मेरे साथ स्कैम हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी और मेरे साथ क्या होगा। बाई गॉड आई एम सेइंग दैट ये हमारे साथ ना हो। ओके, क्या नाम है आपका? मैम आदित्य कुमार कठेरिया फ्रॉम लखीमपुर खीरी। मेरे व्यूज़ कुछ इस प्रकार हैं कि मैम, 25 लाख बच्चों का फ्यूचर एक ऐसी संस्था पे डिपेंड है, एनटीए, जिस पे बहुत लोग आज से विश्वास चलता चलाया, और आज हम सुन पा रहे हैं कि उसने जो पेपर कराया उसका एक सेंटर पे पेपर लीक हो गया। एक ही सेंटर से 7-7 बच्चे टॉप कर रहे हैं, 720 और 720 ला रहे हैं। अब हम लोग के बीच में ऐसी बात है कि हम और हमारे कलीग्स ऐसा सोचते हैं कि अगर हम लोग मेहनत कितनी भी कर लें, आप ही सोचिए मैम, कल को किसी को पेपर 50 लाख देके कोई पेपर ले लेगा, उसको मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? वो कल को 720 ले आएगा, उसमें हम लोगों की कोई मतलब ही नहीं रह गया कि हम लोग मेहनत करें या ना करें। हम लोग पास इतने पैसे नहीं हैं, शायद बहुत सारे अधिकारी जो सब मिले हुए हैं, ऐसा बिना एक पावरफुल पीपल्स के हो नहीं सकता, और ऐसा लूपहोल्स जो हुए हैं हम इनकी कड़ी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि रीनीट दोबारा हो ताकि हम बच्चों में विश्वास भी आए। अगर ऐसा चलता रहेगा तो हम किस बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं? क्या हम सोचेंगे कि हमारे साथ फ्यूचर में न्याय होगा या नहीं होगा? और हम 25 लाख बच्चे का फ्यूचर मैम दांव पे, कोई बड़ी बच्चों से बड़ा हम लोग आगे आने वाले भविष्य हैं। अगर हम लोगों के लिए इतना सा कदम नहीं उठाया जा सकता, कल को अगर चुनाव कहीं पर गड़बड़ा जाते हैं मैम, तो वहाँ पर 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ की मैम जनसंख्या वहाँ पर होती है, वहाँ दोबारा चुनाव कराया जा सकता है? क्या 3 घंटे का पेपर 25 लाख बच्चों के लिए नहीं कराया जा सकता है? और मैम, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, जैसा कि हम लोग सुने कि जो है सेंटर्स पे लीक हुआ है, वहाँ पे FIR भी हुई है, मीडिया ने कवर भी किया, उसके बाद भी NTA ऐसा मान नहीं रहा है, तो हम फ्यूचर के जो एस्पिरेंट्स हैं, हम किस बेसिस पे, किस क्या विश्वास लेके जाएंगे पेपर देने कल को? कितनी भी हम लोग मेहनत कर लें, हम क्या सोच करके जाएंगे? हमारे कलीग्स क्या सोचें, क्या कंपटीशन लोग दे रहे हैं? कल को कोई भी आ जाएगा 720 में 720 ले आ रहा है, पेपर लीक कर ले, हम लोग क्या मेहनत मैम करके 720 क्रूज करके? अच्छा, इस समय जब आप 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये जो भी स्कैम हुआ है, कहीं ऐसा लग रहा है पढ़ाई से भी मन उजड़ रहा है? कितनी मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं इस मेहनत का फ़ायदा होगा कि नहीं, ऐसा लग रहा है क्या? मैम, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम लोग अब सब कलीग्स मेरे खड़े हुए हैं साथ में, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, खूब कॉम्पिटिशन साथ में दे रहे हैं, पर मन में एक बात आ रही है कि कल को कोई और भी आ जाएगा, कल को 50 लोग और आ जाएंगे, 50 लोग दे के पेपर ले लेंगे NTA का, और NTA के अधिकारी जो लोग मिले हुए हैं इसमें शामिल हैं, वो लोग उनका करवा देंगे, वो लोग आराम से बिना कुछ 50 लाख दे के आराम से 720 ARVN AIIMS पा लेंगे, और हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं रोज डेली, उसका कोई मतलब नहीं होगा। हम लोग लाइन में खड़े होंगे, जैसे आज हमारे सीनियर्स खड़े हैं लाइन में न्याय के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं होगा। कल हम लोग आज उनके साथ ऐसी सिचुएशन, कल हम लोग क्या उम्मीद करेंगे उनसे? आप बताएं, क्या नाम है आपका? मैम आदित्य मिश्रा नाम है, कानपुर से हैं। और मैम जो नीट का है उस पर मैम एक ये चीज़ है कि जैसे ग्रेस मार्क्स है, तो सबसे पहले तो एक टीचर्स को अल्टरनेटिव मिल गया कि अगर टाइम से पेपर नहीं बांट पाए कोई इशू नहीं है, ग्रेस मार्क्स मिल ही जाना है। और ये बहुत गलत चीज़ है कि 2 बजे का टाइम में 2:30 बजे पेपर मिल रहा है, और एक अल्टरनेटिव है कि अपना ग्रेस मार्क्स मिल जाना है। दूसरा मैम ये है कि हर साल हम लोगों को पता होता था कि इतने मार्क्स लाने हैं, सपोज जैसे लास्ट ईयर 612 गया था, पता होता था कि 612 हम लोगों का टारगेट है, इसके ऊपर कट ऑफ जाना है। इस बार मैम कोई वही नहीं है, मतलब 658 कट ऑफ जा रहा है, कोई पता ही नहीं अगले साल कितना जाएगा, कितनी पढ़ाई कर रही है, कोई इसका डायरेक्शन नहीं है। और दूसरी बात मैम, जैसे 658 मार्क्स होते हैं, 720 में निकाले 93% हो रहे हैं, 93% अगर बोर्ड्स में आते हैं तो लोग टॉपर्स होते हैं, और यहाँ पर MBBS सीट नहीं मिल रही है 93% लाने में नीट जैसे एग्ज़ाम में। तो ऑब्वियसली मैम रिकंडक्ट होना चाहिए, और पूरा ट्रांसपेरेंसी से, और जैसे कि मैम सबने बोला कि NTA मैम चेंज होना चाहिए, कोई इसका मतलब आउटपुट नहीं निकल रहा है। ठीक है, आप नमस्ते मैम, मेरा नाम स्वयं प्रकाश, मैं मैनपुरी से हूँ। मैम ये कहना चाहता हूँ कि नीट में ये जितने भी टाइप के स्कैम हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर OMR टीचर्स भर दे रहे हैं, और एक ही जगह पे सारे सेंटर से बहुत सारे बच्चों के 720 और काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो ये सब गलत है। इस नीट जैसे एग्ज़ाम में ये सब होना बहुत गलत है, बिकॉज इससे हमें डॉक्टर मिलते हैं जो आगे जाके डॉक्टर बनेंगे, तो उसमें ये गलत होना बहुत गलत बात है, इसलिए रीनीट होना चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। ओके, थैंक यू।
तो ये थे नीट स्टूडेंट्स जो परीक्षा दे चुके हैं या फिर 2025 में परीक्षा देने वाले हैं। इन तमाम स्टूडेंट्स के मन में एनटीए की क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल, इन्हें डर लग रहा है कहीं अगले बार भी ऐसा ना हो कि ये पेपर लीक हो जाए और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, घंटों की पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं रिजल्ट क्या हो, कहीं कोई मेरा क्वेश्चन पेपर खरीद के टॉपर ना बन जाए। तो टॉपर को लेकर भी लोग, अब जो टॉपर्स हैं उनके प्रति किसी के मन में रिस्पेक्ट नहीं, सबको लग रहा है शायद उन्होंने पेपर खरीद के पेपर लीक हो गया, पता नहीं किस तरह से ये रिजल्ट मैनिपुलेट किया गया, तमाम सवाल उठ रहे हैं। तमाम स्टूडेंट चाहते हैं कि एक तो एनटीए अब ये परीक्षा ना करवाए क्योंकि एनटीए को लेकर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। दूसरी बात, तमाम स्टूडेंट्स एक स्वर में यही बात कर रहे हैं कि अब नीट की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए ताकि जो तमाम स्टूडेंट जिनके साथ न्याय नहीं हो पाया है या जो परीक्षा में तमाम अच्छे मार्क्स लेकर, देखिए बहुत बड़ी बात है, 650 से अबव लाने वाले स्टूडेंट्स को भी ये नहीं पता है कि उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसलिए नीट परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग चल रही है। और इस बीच हमारी नज़र बनी रहेगी कि हमें सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश होता है और डिफरेंट हाई कोर्ट्स में जो PIL दायर की गई उसमें क्या रिजल्ट आता है और क्या गवर्नमेंट या फिर NTA इस बारे में क्या पहल करती है, उनके जो अगला स्टेप क्या होगा, इसका सभी को इंतजार है। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। अगर आपका और भी कोई नीट को लेकर सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेजिए, हम कोशिश करेंगे जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हम उससे बात करें और आपको बताएं कि नीट में आगे क्या होने वाला है।